जय भीम। मैं बुद्धाय साथियों, मैं हूँ राम लखन और स्वागत है आपका राइटिंग एंड स्पीच में बाबा साहब अम्बेडकर के। और आज का 13 नंबर टॉपिक है जिसका नाम है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये एनिलेशन ऑफ कास्ट से है ये टॉपिक। और सबसे पहले वही पुरानी दो बातें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। साथ में कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। एक बड़ा आसान तरीका है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का। यदि कुछ प्रयास मैं करता हूँ तो थोड़ा बहुत आप भी करें, इससे ये बात जो है लोगों तक पहुँच जाएगी। अब समस्या यहाँ पर ये आ जाती है कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर को लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी क्यों है। बहुत सारी बातें हैं, अब बिना किसी विलंब के क्रम से देख लेते हैं, ऐसे आधा अधूरी बातें करने से कोई फ़ायदा रहेगा नहीं, इसलिए सबसे पहले क्रम से आते हैं। चूँकि एनिलेशन ऑफ कास्ट से हमने शुरू किया था राइटिंग एंड स्पीच, तो ये इस समय 13 नंबर टॉपिक है। इसमें कुल मिला के 26 टॉपिक हैं एनिलेशन ऑफ कास्ट में। ये एक भाषण है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का, जो पूरी दुनिया में फेमस है, कि लाहौर में 1936 में जिसे पढ़ा जाना था, जहाँ के लिए जात पात तोड़क मंडल के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रित किया था। और वो भाषण सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा जा सका कि उसमें परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो लिखे थे उसे लोगों को आपत्ति हो गई। अब मेरा उद्देश्य यह है कि आप पूरे 26 टॉपिक सुन लीजिए और इसके बाद बताइए कि इसमें ऐसा कौन सा टॉपिक था जो बाबा साहब को नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए उन लोगों ने उस भाषण को नहीं पढ़ने दिया। और यदि वो पूरे के पूरे 26 टॉपिक अच्छे हैं और जानकारी के लायक हैं और उसे लोगों को समझ लेना चाहिए, तो सोचिए उन लोगों ने इस देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। तो क्या इस तरह की विचारधारा के लोग हमारे देश को कभी भी अच्छे स्थान पर ले जाएंगे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो कभी नहीं। अब आते हैं बिना किसी भूमिका के सीधे टॉपिक पर। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई जो लोग मेरे साथ हैं, जो आए हुए हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, जिन लोगों ने जात के कारण बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारी अव्यवस्थाओं को देखा है, उससे प्रताड़ित हुए हैं, वो लोग भी आए हैं। और मेरा मतलब है कि जितनी भी समस्याएं हैं वो जाति के कारण है, और मैं जब जाति का पुरजोर विरोध करता हूं तो लोगों के जहन में एक बात तो आती होगी कि भाई बाबा साहब आप जब इन व्यवस्थाओं का पूरी तरीके से विरोध करते हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं? आखिर आपके दिमाग में है क्या, कोई खाका है, कोई ऐसा ये विचार है जो होना चाहिए? यदि ये नहीं तो फिर क्या? तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यदि मुझसे कोई पूछे कि आखिर आप कैसा समाज चाहते हैं, तो मेरी कल्पना का जो मैंने सोचा है कि वो समाज ऐसा हो, वो ये है, समता हो, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीन चीज़ें मुख्य हैं जो समाज में होनी चाहिए। सोचिए, यहीं पर एक बात सोचते चलिए, समझते चलिए, सिर्फ सुनने की बात नहीं है, कि बाबा साहब समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात 1936 में कह रहे हैं, इसका मतलब 1936 तक समाज में ये तीनों चीज़ें नहीं थीं। ये बात तो हमें समझ लेना चाहिए यहीं पर। और यदि नहीं थीं तो सोचिए वो समाज कैसा होगा। आप उसकी दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं कि जिस समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जीरो हो, वो समाज कितनी बुरी स्थिति में जी रहा होगा, ये आप खुद सोच लीजिए। तीसरी चीज़ें बताते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ ये हो गई, फिर कहते हैं नंबर दो, और मैं यदि इन तीनों चीज़ों की बात करता तो इसमें किसी का क्या गुरेज हो सकता है, ऐतराज़ क्यों हो सकता है? ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं, होनी भी चाहिए। आखिर क्या इस दुनिया में जो व्यक्ति पैदा होता है तो क्या उसे अधिकार नहीं है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आधार पर जीने का? और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि समाज में
हाँ एक चीज़ और यहाँ बताते हैं, इससे लोकतंत्र का निर्माण होता है, ये आधार बिंदु है, बड़ी अच्छी बातें बताते हैं। और ये इन्हीं चीज़ों को जब उस समय बताते तो बाद में देखिए संविधान में समता स्वतंत्रता बंधुत्व को तीनों चीज़ों को लेकर के आ गए। और ये कहते हैं कि बंधुता को जो है इसको तो बहुत बड़ी चीज़ बताते हैं, बंधुता को ही कहते हैं ये तो लोकतंत्र का दूसरा नाम है बंधुता का। इस बंधुता के आधार पर ही संयुक्त रूप से, ये बंधुता ही जो है जो संयुक्त रूप से जीने का रवैया है। और इसमें एक चीज़ और हम पाते हैं कि जो अपने साथी है जो हमारे समाज के जो लोग हैं उन्हें सम्मान करने का तरीका भी है कि जब हम लोकतंत्र बना लेते हैं तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का नहीं होता, जब तक उसमें बंधुता नहीं हो तो लोकतंत्र किस काम का, वो लोकतंत्र कहने लायक ही नहीं होता है। तो यही चीज़ वापस आओ अम्बेडकर कह रहे हैं 1936 में, और उनका अथक प्रयास देखिए कि जो उन्होंने सोचा वो बना के दिखाए। आज हम उस समाज को निर्माण नहीं कर पा रहे हैं या उसमें हम चल नहीं पा रहे हैं उस तरह की विचारधारा पर, ये हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले में जो सोचा कि मैं ये कर सकता हूँ उन्होंने कर डाला। ये चीज़ें आज देखिए पूरे प्रियम्बल में है, और ये ऐसी चीज़ है जिसे किसी भी कितनी मेजोरिटी पर कोई सरकार बना ले, ये प्रियम्बल का बेस है, इसे चेंज किए बिना संविधान को चेंज किया जा सकता है, इसलिए इसे तो बदले नहीं जा सकता है, ये तो संविधान की रीढ़ है। तो ये ऐसी जगह शामिल किया है जहाँ इसे कोई छू भी नहीं सकता। आप सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर, तो मैं ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जो गतिशील हो, परिवर्तनशील हो। अब गतिशील और परिवर्तनशील से बाबा साहब अम्बेडकर का तात्पर्य ये था कि समाज में यदि कोई चीज़ आज ए के पास है तो हमें ये नहीं करना कि इस पर बी का अधिकार ही नहीं हो सकता, मतलब हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ये चीज़ें सब तक पहुंच सके। आज यदि इसकी ज़रूरत है तो बाकी लोगों की भी ज़रूरत होगी। समाज में गतिशीलता परिवर्तनशीलता, यदि समाज में कोई बुराई आ रही है तो उसमें चेंज करने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनमें अपने में इतने सक्षम होने चाहिए कि वो किसी भी चीज़ में चीज़ को बदल सके, सुधार कर सके, मतलब कोई बुराई यदि आ भी गई उसे बदल सके। तो परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, मतलब लचीलापन होना चाहिए, ये चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। और जो सुविधाएं उनका बंटवारा होना है, मतलब बांटना चाहिए, समय बंटवारा नहीं होना चाहिए, बंटना चाहिए सुविधाओं को सभी में, जिसको जो ज़रूरत है उसको मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि जो लोग ये जातिवादी जो लोग हैं वो जो समाज है उसमें जब बराबरी की बात आती है या स्वतंत्रता की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि संपत्ति और जो खेती बाड़ी में काम करने वाले औजार हो गए या वस्तुएं हो गए उनके लिए तो वो अधिकार के लिए वो ऐतराज़ नहीं करते। लेकिन वो ये कहते हैं कि अधिकारों को मजबूत करके और अपनी ही अपनी क्या बोलते हैं योग्यता के अनुसार पेशा चुनने का जो अधिकार है उसकी वो स्वतंत्रता नहीं देते जो जातिवाद के पोषक हैं। बाबा साहब अम्बेडकर यही एक बात बताते हैं कि भाई ठीक है आप ऐसा कह दे रहे हैं कि उन्हें अपने पसंद का पेशा चुनने का अधिकार नहीं, जबकि अब वो कुछ ऐसे भी काम करता है मजबूरी में जो उसे पसंद ही नहीं है। यहाँ से तो हम बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं कि जो उसमें क्वालिटी है उसका हम उपयोग नहीं कर पाते, और जो उसमें क्वालिटी नहीं वो काम उसे हम सौंप देते हैं, तो समय की बर्बादी करते हैं और आदमी का सही उपयोग हम नहीं कर पाते, जिससे हमें समाज और राष्ट्र दोनों का नुकसान होता है। आगे आइए, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं यदि हम किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसे काम नहीं दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं उसका, उसकी स्वतंत्रता को हम छीन रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि गुलामी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कहीं पर किसी स्टाम्प पेपर में लिख करके किसी को गुलाम बनाया जाए, ऐसा नहीं है। गुलामी का मतलब तो ये भी है कि यदि किसी के व्यवहार को हम नियंत्रित कर रहे हैं, वो कुछ करना चाहता लेकिन वो कर नहीं सकता, ये भी हम उसे गुलामी के दलदल में धकेल रहे हैं, जिसे मानवता को सबसे बड़ा खतरा होता है। तो इसे बाबा साहब इसे सुधारने की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो शक्ति है, शक्ति के दो साधन हैं, ये शक्ति के साधन हैं तीन यहाँ पर, सॉरी पहला तो साधन ये हुआ कि सारे शारीरिक जो बनावट है वो वंश परंपरा उसके आधार पर हो गया, दूसरा शिक्षा वैज्ञानिक ज्ञान माता पिता द्वारा उसकी देखभाल पालन पोषण या संस्कार कह देते हैं, फिर सामाजिक धरोहर के रूप में उसे जो ज्ञान मिल जाता है वो हो गया, इसके बाद फिर उसका जो ज्ञान मतलब वैज्ञानिक ज्ञान और ज्ञान साथ उसे स्वयं स्वयं के प्रयास, इन सब चीज़ों को मिला करके एक ताकत बनती है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अब इसमें
और ये इस असमानता को लोग स्वीकार भी करते हैं किसी हद तक, ठीक लगता है कि हाँ सभी लोग समान नहीं होते। क्यों? किसी किसी के पास तो इसने अधिकार है, इसके आधार पर उसके पास ताकत है, और किसी के पास तो ये दोनों चीज़ें है ही नहीं, तो उसके पास तो सिर्फ स्वयं का प्रयास ही है। तो ये असमानता तो है ना, ये तो साफ दिखता है। अब बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अब देखेंगे कि यदि किसी भी चीज़ के लिए जब हम कोई कंपटीशन कराते हैं और उस दौड़ में यदि हम इनके साथ जिसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है और जिसके पास तीन चीज़ें हैं इनके साथ कंपटीशन करा देते हैं, और फिर ये हम पाते हैं कि भाई ये लोग जो चुने जाएंगे सुविधा संपन्न लोग, हम सही सिलेक्शन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं यहाँ पर हम जो है व्यक्ति का चुनाव नहीं कर रहे हैं, हम एक क्या बोलते हैं ये एक ऐसी व्यवस्था का चुनाव कर रहे हैं जो योगी ही नहीं है। मतलब यहाँ पर एक जिनके पास सुख सुविधा संपन्नता को हम संपन्नता को कह देंगे कि सिलेक्शन दे रहे हैं, ना कि व्यक्ति को। अब यदि हमें व्यक्ति अच्छा चाहिए और हमें देश में और समाज को, देश को उन्नत पर ले जाना, समाज को बेहतर बनाना है, तो रेस ऐसी होनी चाहिए जो बराबरी से शुरू हो, एक ही जगह शुरू हो, या तो सभी सुविधा संपन्न हो या तो फिर सबके पास कुछ ना हो, तो हमें सही व्यक्ति मिल सकता है जिसका हमें ज़रूरत है। फिर एक बात और बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ पर, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा 1936 में बाबा साहब आरक्षण की बात यही कह दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिनके पास नहीं है तो उन्हें वो सुविधाएँ हर हाल में दी जानी चाहिए और उन्हें रेस के काबिल बनाना चाहिए ताकि हमें सही सिलेक्शन को चुनने में आसानी हो जाए। फिर इसी समानता के लिए कहते हैं कि भाई आदमी असमान है, हम कैसे जाने कौन समान है कौन असमान है? सुविधाओं के आधार पर तो नहीं जान सकते। इसीलिए हमारे राजनेताओं को चाहिए कि वो जो, चूँकि वो असमानता का एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये नहीं डिसाइड कर सकते किसका सम्मान कितना होना चाहिए कितना कम होना चाहिए, इसीलिए सबका सम्मान बराबर करना चाहिए, वो अधिक से अधिक लोगों से घिरा रहता है। यदि उसे राजनीति करनी है भविष्य में बेहतर, तो उसे सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, असमान व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि असमान व्यवहार करना असंभव है, संभव नहीं किसी तरीके से, किसी भी तरीके से वो संभव नहीं असमान व्यवहार करना। इसलिए यदि कोई राजनेता राजनीति कर रहा है तो उसे चाहिए कि वो समान व्यवहार करे, सबके साथ भाईचारा का व्यवहार करे। अब यहाँ पर ये है बाबा साहब अम्बेडकर का 1936 का मेरे कल्पना का आदर्श समाज, ये भाषण हो गया। अब देखिए, अब आप इसमें क्या सीख रहे हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप इन चीज़ों को यहीं पर इसको एक्सप्लेन कर लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं पहले बताइए समता सुत्ता बंधुत्व, इन तीन चीज़ के बारे में इंडिया में कोई नहीं जानता था। क्यों? ये समाज में कहीं पाया ही नहीं जाता था कि कहीं समानता हो, स्वतंत्रता, बंधुत्व। तो सोचिए कि जब भी मैंने पहले बताया शुरुआत में, वो समाज कितनी बुरी दशा में जी रहा था। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे देश में लोगों ने अंग्रेजों के अगेंस्ट जब फाइट शुरू किया, तो क्या समता स्वतंत्रता बंधुत्व के लिए किया था क्या? नहीं। यही तो सबसे बड़ा विडम्बना है देश में कि आज़ादी की लड़ाई में सब लोगों ने अलग अलग ढंग से लड़ाई लड़ी, किसी ने इसके लिए लड़ी जो समाज में नहीं था, इसके लिए सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर फाइट कर रहे थे। आप देखिए 1936 से पहले और बाद में किस व्यक्ति ने, इस देश के राइटर ने, मैं शायद मेरी पढ़ाई लिखाई कम हुई हो या मैं ना पढ़ पाया हूँ, यदि किसी को जानकारी मिलती है तो बताइए कि दूसरा कौन सा ऐसा महापुरुष है उस आज़ादी में जिसने इन तीन की बात कही हो, और इन तीनों का समाज में ना पाया जाने का कारण अंग्रेज हूँ। यदि समाज में तीनों चीज़ें 1936 के पहले और बाद में नहीं थीं, तो क्या इसके जिम्मेदार अंग्रेज थे? यदि समाज में गतिशीलता और परिवर्तनशीलता नहीं थी, तो क्या इसके जिम्मेदार अंग्रेज थे? नहीं। यदि समाज में इन चीज़ों के कारण यदि कोई अव्यवस्थाएँ थी, तो क्या इसके भी जिम्मेदार अंग्रेज थे? नहीं। यदि हम यही चीज़ें ठीक कर लिए होते तो अंग्रेज तो आते ही नहीं देश में। हमारी जो सबसे बड़ी जो वीकनेस है हमारे देश में के अंदर ही है, हमारे समाज में, हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, और जहाँ वहीं ठीक करना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों की जो जड़ है वो क्या है? जाति।
इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जाति को खत्म करना चाहिए, जाति को बीज से नष्ट करना चाहिए, दोबारा पैदा ही ना हो, समूल नष्ट कर देना चाहिए। इसलिए देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं वो अधिकांशता जाति के कारण ही हैं। इसीलिए ये सारे जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नहीं था समाज में, उसका कारण भी जाति था। गतिशीलता, परिवर्तनशीलता यदि नहीं है समाज में तो उसका कारण जाति है। यदि व्यक्ति व्यक्ति में समानता नहीं है तो उसका भी कारण जाति है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति के विनाश पर स्पीच लिखा था, और मेरे ख्याल से उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ने लायक और सुनने लायक या ज्ञानवर्धक ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय आर्य समाजियों को इस तरह के ज्ञान की कोई समझ नहीं थी, और मेरे ख्याल से आज तक भी नहीं है। यदि उनमें ऐसा होता तो ठीक है, भाषण को नहीं मंच से पढ़ने दिया, आखिर प्रति को तो पढ़ा था उन्होंने, तभी तो कहा कि इसमें कुछ चीज़ें जो हमें ऐतराज है, तो वो अपने आज तक के समाज में तो लॉन्च कर सकते थे। यदि कुछ भी नहीं करते तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात तो करते, लेकिन आज तक ऐसा कुछ किया नहीं गया। इसका मतलब हम इस तरह के समाज से ये कल्पना कभी नहीं कर सकते, कोई इन फ्यूचर कभी भी सुधार कर सकते हैं। इसलिए जो कुछ करना है आपको करना है, अपने ढंग से करना है, बड़ी शालीनता के साथ करना है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना किसी आलोचना के बात करने का जो तजुर्बा सिखाया है उसे पहले सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आलोचना में 99% ऊर्जा खत्म हो जाती है और आप पॉजिटिव 1% सोच पाते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर इतने आगे तक क्यों निकले, क्योंकि उनके विचार पॉजिटिव अधिक होते थे, आलोचनात्मक कम होते थे। यदि यहीं पर ये बात हम सोच लें कि बाबा साहब अम्बेडकर जो भाषण नहीं पढ़ पाए, उस ना पढ़ने के कारण कितनी आलोचना की होगी, सोचिए, जीरो। उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे बहुत दुख है, ये आर समाजी लोग ये इतने नालायक हैं, या ऐसे हैं वैसे हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है, इन्हें किसी तरीके का तजुर्बा नहीं है, और इन्होंने मेरे भाषण को नहीं पढ़ने दिया, मैंने इतनी मेहनत से लिखा, ये किया, वो किया, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सिंपली अपने भाषण को प्रिंट कराया और लोगों में बांट दिया, और कहा कि भाई आप निर्णय करिए क्या वाकई समाज में इन चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं। और यदि है तो उन्हें पता था कि इन फ्यूचर लोग पढ़ेंगे भविष्य में, और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो कल मेरे समर्थन में आएंगे, और समाज में जो बदलाव आज मैं लाने की बात कर रहा हूँ, आने वाले समय उस बदलाव को लोग ज़रूर करेंगे। लेकिन उन्होंने आलोचना नहीं की। यदि वो आज की तरह आलोचना में घुस जाते तो मुझे लगता है कि आज हम जहाँ हैं वहाँ होते भी नहीं। इसीलिए चाहिए कि सबसे ज़्यादा आलोचना बड़ी संतुलित होनी चाहिए, आलोचना में बड़ी वैज्ञानिकता की ज़रूरत होती है। हो सकता है वह आलोचना आपका ज़्यादा नुकसान कर दे बजाय उसके जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह के विचारों को आप समझिए, और समाज में उसको कैसे पहुँचाना है उसको जानना जरूरी, उस पर प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। नमो बुद्धाय।